सो है गाइस, व्हाट्स अप, नमस्कार, दिस इज शुभदीप एंड वेलकम टू माय चैनल व्हिच इज ओन वेयर एस ऑल फिर से आ चुके न्यू के साथ। तो इस वीडियो में आज हम इस स्पीडोमीटर के बारे में बात करने वाले हैं। सो दिस इज द बिटवीन बीसी 500 स्पीडोमीटर फ्रॉम डिकैथलॉन। तो इसके बारे में जो भी चीज़ें आपको जानने की जरूरत है, सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो इसी के साथ विद फॉर द वेस्ट एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं बताया, आज हम इस स्पीडोमीटर के बारे में बात करने वाले हैं। दिस इज द बीसी 500 स्पीडोमीटर फ्रॉम डिकैथलॉन। तो इसको मैंने कुछ महीनों पहले परचेज किया था, मैंने इंस्टॉल हाल ही में किया है, एक महीना पहले शायद। अराउंड 500 किलोमीटर इसको मैंने चलाया भी है ताकि मैं अच्छे से आप लोगों को इसका रिव्यू दे सकूँ कि ये कैसा है। मैंने पहले भी बहुत लोगों का रिव्यू लिया है कि ये कैसा है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ स्पीडोमीटर इज दिस, क्योंकि दिस इज ओनली अ स्पीडोमीटर, नथिंग रिलेटेड टू हार्ट रेट और केडेंस, दिस इज जस्ट अ स्पीडोमीटर। तो अगर इसके हिसाब से ये स्पीडोमीटर मैंने यूज़ किया है और उसी हिसाब से आप लोगों को मैं आज रिव्यू देने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इसका। तो बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है सबसे पहले देख लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर हमें सबसे पहले तो ये स्पीडोमीटर देखने के लिए मिल जाता है जो कि माउंट में लगा हुआ है, तो उसको हमें खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्पीडोमीटर का माउंट और उसके साथ कुछ स्ट्रैप्स मिल जाती है हमें इस माउंट को लगाने के लिए। तीन तरह के स्ट्रैप्स होते हैं, तीन साइजेस का, जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। और उसके बाद एक मैनुअल मिलता है और उसके बाद एक सेंसर मिलता है। तो यही कुछ चीज़ें हमें स्पीडोमीटर के बॉक्स के अंदर मिल जाती है। पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे काइंड ऑफ अच्छा लगा। मैंने ये चाहा कि डिकैथलॉन से परचेज किया था, आप चाहो तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। तो अभी चलिए देख लेते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है। इंस्टॉलेशन भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो इसको सबसे पहले तो मतलब इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको इसका माउंट लेना है, उसके बाद इसका स्ट्रैप लेना है। स्ट्रैप के हिसाब से आप जहाँ पे भी लगाना चाहते हो, आपके स्टेम पे या फिर आपके हैंडल बार्स पे, जहाँ पे भी आप इसको लगाना चाहते हो आराम से लगा सकते हो। और इसके माउंट के नीचे एक रबर सा एक मटेरियल सा दिया हुआ है ताकि आपके मतलब आपका स्पीडोमीटर जो है वो एक जगह पे रहे ऑब्वियसली, और कोई भी स्क्रैचेस ना आए आपकी बाइक पे। तो उसके हिसाब से इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। कहीं पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, हैंडल बार्स पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, स्टेम पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। स्टेम पे इंस्टॉल करने से ये ज़्यादा बेटर लगता है देखने में। पीछे की तरफ एक थोड़ा सा दो शेप्स दी हुई है, उसके हिसाब से आपको माउंट पे इसको फिट करना होता है। और मतलब यहाँ पे दो शेप्स है, यहाँ पे दो एक्सटेंडेड पोर्शंस है, उस पोर्शंस के हिसाब से आपके माउंट पे इसको फिट करना है और उसके बाद इसको घुमा देना है तो ये लॉक हो जाता है। तो उसके आराम से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब ये अगर आप कहीं भी रुके हो तो स्पीडोमीटर को आप खोल के भी ले जा सकते हो। अगर आप कॉफ़ी शॉप में रुके हो तो कॉफ़ी शॉप में उसको लेके जा सकते हो ताकि कोई भी उसको ले जा ना पाए, क्योंकि बहुत ही ईजी है इसको अनइंस्टॉल करना और इंस्टॉल करना। उसके बाद इसका सेंसर पे आ जाते हैं। तो सेंसर को नॉर्मली इसका स्ट्रैप दिया हुआ है, तो सामने के हब पे आपका जो सामने का व्हील है उसके हब पे आपको इसको इंस्टॉल कर देना है। इसका भी काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा सिंपल है, थोड़ा सा इशू आ सकता है क्योंकि अंदर में आपको अपना हाथ घुसाना पड़ेगा, तो वो आप देख लेना कि बहुत ज़्यादा इजी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा टाइम दोगे तो हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमारा स्पीडोमीटर इंस्टॉल हो चुका है और सेंसर भी इंस्टॉल हो चुका है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंस्टॉलेशन था आज तक का। और इसके बाद चले आते हैं कि इसके सेटिंग्स पे कि आपका टायर का सर्कमफेरेंस एंड विथ आपको इनपुट करना है इसमें, तो उसको आपको सेट करना पड़ेगा एंड टाइम एंड डेट एंड ऑल। तो यहाँ पे चले आते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारे स्पीडोमीटर के साथ और इसको कैसे सेट करना होता है मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो ये सिंपली ऐसा दिखता है, ये अभी माउंट के साथ है तो माउंट को भी हम खोल सकते हैं अगर हम चाहें तो, इसको साइड में रखते हैं। तो सिंपली यहाँ पे तीन बटन दिए हुए हैं, तो इसके हिसाब से हमें एडजस्टमेंट करना है। तो ऊपर वाला बटन अगर हम प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे ऑन दिखाएगा, तो ये ऑन हो जाएगा अभी, हेलो, तो ये ऑन हो गया। और यहाँ पे किलोमीटर्स, यहाँ पे टोटल किलोमीटर्स दिखाता है, उसके बाद यहाँ पे किलोमीटर्स पर आर दिखाता है एवरेज स्पीड, और उसके बाद मैक्सिमम स्पीड, यहाँ पे टाइम भी दिखाता है, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है वो भी दिखाता है, और टोटल किलोमीटर्स रिटर्न, हाँ 500 या 500 किलोमीटर्स में इसको, 550 किलोमीटर्स में इसको राइड कर चुका हूँ मतलब इसके साथ। और उसके बाद मेनली जो हमें यहाँ पे चाहिए तो है सेट। तो यहाँ पे सिंपली किलोमीटर्स पर आवर से पहले आपको सेट मिल जाता है। तो सेट मतलब हमें सेटिंग्स पे जाना है, तो सेटिंग्स पे जाने से हम सब कुछ एडजस्ट कर सकेंगे। तो ओके हमें क्लिक करना है ऊपर का। तो यहाँ पे हम सेटिंग्स पे आ चुके हैं, ये सेटिंग्स वाला जो आइकन है वो ब्लिंक कर रहा है, मतलब हम सेटिंग्स पे है। और यहाँ पे अगर मैं ये बटन क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टायर का डायमीटर एंड विड्थ हमें यहाँ पे इनपुट करना है। तो अगर मैं सबसे पहले ओके करता हूँ,
ऊपर वाला जो डायमीटर है हमारे टायर का वो आपको देख लेना है, आपके टायर्स में ही लिखा होगा, तो सबसे पहले वो आपको देख लेना है कि आपका डायमीटर कितना है। 27.5 हो सकता है, 29 इंच हो सकता है, तो वो आपको देख लेना है। तो इसको हमें सबसे पहले एडजस्ट करना होगा। यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, 650, यहाँ पे 29 इंच, 28, 27.5, सब कुछ यहाँ पे, 26, तो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और मेरा यहाँ पे रोड बाइक के हिसाब से 700 है, 700 × 20 cc है मेरा रोड बाइक का विथ और डायमीटर, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद हमें ओके क्लिक करना है, तो ये सेट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है विथ, तो विथ भी जितना है आपका वो आप उसके हिसाब से पुट कर सकते हो। मेरा 28 है तो मैं 28 रखूँगा। उसके बाद मैं ओके क्लिक करूँगा, उसके बाद ये डन हो गया। और उसके बाद आपको सेट करना है यूनिट्स, यूनिट्स मतलब किलोमीटर्स या फिर आपका ये मीटर या फिर माइल्स, ये आपको एडजस्ट करना है। ऑब्वियसली हमें किलोमीटर्स पे ही चाहिए। और उसके बाद सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट आपको किस में चाहिए, तो वो आपको देख लेना है। तो ये भी मैं ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये डन हो गया। और उसके बाद जो चीज़ है पेयर का ऑप्शन, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। और उसके बाद जो मेन चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो ये है टाइम। तो टाइम पे भी सिंपली आपको ऊपर वाला क्लिक करना है, जो कि ओके ओके क्लिक करने से 24 आवर्स या फिर 12 आवर्स वो दिखाएगा। और उसके बाद फिर से ओके कर देना है। और उसके बाद सिंपली यहाँ पे ये एडजस्ट करना है, तो 10 या 9 आपको देख लेना है, ओके। और उसके बाद जो सेकेंड्स है या फिर मिनट्स है वो आपको देख लेना है कितना है, उसके बाद उसको सेट कर देना है। तो ये भी डन हो गया। तो सिंपल यहाँ पे पूरा हमारा स्पीडोमीटर सेट हो चुका है। उसके बाद अगर आपको वापस जाना है, सेटिंग्स पे से बाहर निकलना है, तो क्विट पे आके आपको ऊपर वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा, तो ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा स्पीडोमीटर सिंपली सेट हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा ईजी है इसको सेट करना, सबसे ज़्यादा ईजी लगा मुझे। कोई भी कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मतलब यूनिट्स पुट करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ये सिंपली हो जाता है। अगर आपको स्विच भी करना है किसी भी बाइक से किसी और बाइक पे, मतलब अगर मैं MTB से रोड बाइक पे स्विच करता हूँ, तो कुछ सेकंड्स का मामला होता है और ये स्विच हो जाता है। तो दिस इज़ अ रियली गुड स्पीडोमीटर। मैंने 500 किलोमीटर अप्रॉक्स चलाया है इसको, एंड दिस इज़ काइंड ऑफ गुड। अगर आपको नॉर्मल एक स्पीडोमीटर चाहिए, अगर आपका बजट जो है वो 2000 के आसपास है, तो इसको आप परचेज कर सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा सा लो है 1.5 के आसपास, तो डिकैथलॉन का एक और स्पीडोमीटर है, शायद 120 नाम है उसका, तो वो आप इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी काइंड ऑफ बुरा नहीं है। और इसमें आपको बैकलाइट भी मिल जाता है। बैकलिट फीचर जो है वो काइंड ऑफ आई वॉज डिसअपॉइंटेड, क्योंकि इसका बैकलिट फीचर जो है बहुत ही ज़्यादा लो है। ब्लू कलर का एक बैकलिट हमें यहाँ पे मिलता है, बट बहुत ही ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं होता है इसका रात के वक्त, या फिर अगर बहुत ही अर्ली मॉर्निंग्स पे मैं इसको देखना चाहूँ तो उतना अच्छा विजिबिलिटी नहीं है इसका। और इसी फीचर की वजह से मैंने इसको परचेज किया था, बट दिस इज़ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग। बट ठीक है, स्पीडोमीटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका बैकलिट भी आपको ऑन करना पड़ता है, राइड करते वक्त आपको ऊपर वाला बटन प्रेस करना पड़ता है, उसके बाद ही इसका बैकलिट ऑन होता है। सो दैट्स काइंड ऑफ नॉट वर्थ इट, मतलब उतना ज़्यादा अच्छा फीचर ये मुझे नहीं लगा, क्योंकि उतना ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है, दैट्स वाई। बट उसके हिसाब से अगर उसको मैं साइड पे रखूँ, तो स्पीडोमीटर का विजिबिलिटी इन द डे सन के नीचे या फिर रात को भी अगर बैकलिट ऑन होता है, आपको दिखता है थोड़ा बहुत, मतलब एकदम नहीं दिखता वैसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा बहुत दिख जाता है कि कितना स्पीड है या फिर कितना किलोमीटर्स राइड कर रहे हो या फिर क्या टाइम हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो आराम से। और बहुत ही ज़्यादा सुबह होता है, अगर बहुत ही ज़्यादा धूप निकलती है तो भी इसका कोई भी विजिबिलिटी का इशू नहीं होता, ये मैंने देखा, ये मतलब कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आता इसमें, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है इसका। तो इसी के हिसाब से ये था मेरा रिव्यू। काइंड ऑफ स्पीडोमीटर अच्छा है, अगर आप डेफिनेटली चाहो तो इसको परचेस कर सकते हो। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिकैथलॉन की वेबसाइट पे भी आपको ये स्पीडोमीटर मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली जाके स्टोर से परचेस कर सकते हो। तो डेफिनेटली अगर आप चाहो तो नीचे का लिंक भी क्लिक कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। दिस वॉज द स्पीडोमीटर BC500 फ्रॉम डिकैथलॉन। तो इसी के साथ इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर दबा देना, उसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटे वन जरूर दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ऐसे कॉन्टेंट्स और भी देखने हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। और इसी के साथ इस वीडियो को यही पेंट करते हो। दिस यू बर्ड ओन राइडर एस साइनिंग आउट।